सो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं अपने खुद के नाम का नेम स्टैंड। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टैंड देखे थे नियॉन लाइट के, पर अब वो नियॉन लाइट के तो हम बना नहीं सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना पल्स के बना ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पल्स ले लिए है और एक तार ले लिया है। ये तार को हम सीधा कर लेंगे स्ट्रेट और हमें जितना चाहिए उसको वहाँ से काट लेंगे इस तरीके से। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो इस तरीके से जितना हमें चाहिए उतना हम ले लेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा जो है उसको इस तरीके से फोल्ड करते 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 वो खुद ही अलग हो जाएगा। और उसके बाद हम एक जो थोड़ा बड़ा साइज़ का बीट है उसको हम इसमें डालेंगे और फिर लास्ट में इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारे जो छोटे वाले पल्स है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से आप सिक्योर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये देखिए मैंने सिक्योर कर लिया है, ये हो गया हमारा सिक्योर। अब इसके बाद हम सारे छोटे छोटे जो हमने पल्स लिए हैं उनको इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है गाइस वो सच में बहुत अच्छा है। तो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो मैंने पूरी जो हमारा तार था उसमें इस तरीके से पूरी हमारे मोती पूरे इंसर्ट कर लिया है और पूरा फिल कर लिया है। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाला तार है उसको भी हम जो हमने पहले प्रोसेस रिपीट किया था फोल्ड कर करके उसी तरीके से हम इसको भी अलग कर लेंगे इस तरीके से। और जो लास्ट में थोड़ा सा तार बचा है उसको हम लास्ट वाले हमारे बड़े मोती में इस तरीके से फोल्ड करके इंसर्ट कर लेंगे जिससे इस साइड के भी हमारे मोती जो है वो बाहर ना निकले। तो बस अब हमें इसे अपने नाम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मेरे नाम में जो आता है, ये देखिए मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं, तो मेरे नाम में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो है ए। तो पहले तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे फ़ोल्ड करूँ। मैं खुद इतनी कंफ्यूज थी कि इसको ऐसे लिखूँ या वैसे लिखूँ, पर फिर फाइनली मेरे समझ में आ गया और फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको फोल्डिंग करना स्टार्ट कर लिया। और ये देखिए मैंने फर्स्ट लेटर भी जो है अपने नाम का वो लिख लिया ए। और अब हम एन लिखेंगे। तो एन तक तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया था, लेकिन फिर जब ए लिखने के आई तो इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे करूँ, पर वो भी चलो हो ही गया। और लास्ट में तो ये इतना अच्छा लग रहा है ना। फिर अब हम एम लिखेंगे और बस ऑलमोस्ट हमारा जो नेम स्टैंड है वो रेडी हो चुका है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।